संसार की निर्माता है, और इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। माता ही संसार की निर्माता है, इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। माँ संसार की निर्माता होती है। माँ चाहे अपने बच्चे को बलवान बनाए, माँ चाहे अपने बच्चे को भगवान बनाए, माँ चाहे अपने बच्चे को राक्षस बना दे, और माता ही चाहे अपने बच्चे को देवता बना दे। नौ मास गर्भ में रखती माँ भारी संकट सहती, नौ महीने अपने गर्भ में रखने के बाद माँ बच्चे का जन्म देती है। कितना बड़ा परोपकार करती है, कितनी मुसीबत उठाती है भाइयों। नौ मास गर्भ में रखती माँ भारी संकट सहती, खुद भोजन नहीं वो खाती और भूखी मरती रहती। वो भाग्य विधाता है, इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। सूर बना दे, माता चाहे बेटे को कायर या सूर बना दे। माँ जीजा बाईसी बनकर, माँ जीजा बाईसी बनकर वीर सिलासा सूर बना दे। वो भाग्य विधाता है, इसीलिए तो माता ऊंचा नाता है। माता ही संसार की निर्माता है, इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। माता ही संसार की निर्माता है, और इसीलिए तो मेरे भैया माँ का ऊंचा नाता है। लेकिन ऊंचा नाता माँ का था, आज 50% लोग ऊंचा दर्जा माँ को नहीं देते। धुंधुकारी जैसे ज्यादा हो गए ना, इसलिए अगर गोकर्ण जैसे जहां होंगे देवता के समान, वो माँ को हमेशा देवी समझेंगे, सम्मान करेंगे। ₹51 श्रीमान राजवीर सिंह दाढ़ी वाले, 51 मुद्रिकाओं से श्रीमान राजवीर सिंह दाढ़ी वाले हमारा सम्मान करते हैं, दूध के लिए पीने को देते हैं, और 51 मुद्रिकाएं हमारे श्रीमान जमुना सिंह जो भागवत आयोजन के एक प्रथम शख्स मानते हैं हम, तो बहुत मेहनतशील और परिश्रमी व्यक्ति हैं। 51 मुद्रिकाओं से
हमें दूध पीने के लिए सम्मानित करते हुए और हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। मैं परमात्मा से कामना करूंगा कि इन्हें हमेशा सद्बुद्धि प्रदान होती रहे, धनोधान्य में हमेशा आगे बढ़ते रहें। बोलिए गोविंद भगवान की।